तो कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अमृतसर टू जलंधर सिटी। तो गाड़ी नंबर जो कि गाइस टोटल डिस्टेंस हमारा जो कि 80 किलोमीटर का होने वाला है, और गाड़ी की बात कर लूँ तो गाइस जो कि चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस 12412 जो कि रोज शाम को गाइस जो कि अमृतसर पे 5:20 पे यहां से रात के 10:05 पे हमें अमृतसर चंडीगढ़ पहुंचा देती है। तो गाइस जो कि हमारा जलंधर सिटी, तो गाइस हम जो कि जलंधर सिटी तक ही कवर करेंगे। गाड़ी जो कि है जाएगी 10 होल्ट के साथ अमृतसर से चंडीगढ़, 10 होल्ट के साथ पूरी ट्रेन जो कि चंडीगढ़। तो गाइस मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं जो कि अभी पूरा जो कि मैं ट्रेन के अंदर अकेला हूँ। तो गाइस जो कि मैं दो बैठते हैं, तो गाइस पूरी ट्रेन जो कि अभी फिलहाल खाली पड़ी है और मैं बैठा हुआ हूँ, देख सकते हैं आप। हाय, तो गाइस इंटरव्यू काफी अच्छा है, देख सकते हैं अभी कोच से स्लीपर में जो कि आज अच्छा हमको सिखा रहा है। तो गाइस बहुत ही शानदार आज सफर होने वाला है। तो पंखा वंखा गाइस, तो अभी ट्रेन जो की है भाई सब चालू नहीं हुई है, इसीलिए आपको दिखाएंगे डिपार्चर। बात कर लो तो देख सकते हैं हमारी जो की है ट्रेन कुछ इस प्रकार है, जैसे तो चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस इंटरसिटी। उद्धा कह रहा तानू को पूछना भी नहीं गा, तानू पूछना नहीं गा। देखो ला एंड से डब्बा लगा कोचे भेजूंगे, तानू किसी ने नहीं पूछना भाई। जो कि एक बुजुर्ग लेडी जो कि माँ जैसे ही मिल गई थी, तो वैसे वो कहती है मेरे पास टिकट नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो मैं बैठा देता हूँ आपको। तो मैंने टिकट कटा दी उनकी और उनको जनरल बैठा दिया, वो भी जलंधर ही जाएंगे हमारे साथ ही, इसीलिए गाइस चलो मिलते हैं आगे सर। पैसेंजर्स गाइस देख सकते हैं जो कि क्योंकि पूरी प्लेटफार्म को गाड़ी ने छोड़ दिया और यहाँ तक आगे जनरल आगे तक लगा, और ये सब जो कि हमारा लोकोमोटिव दिखाते हैं आपको कौन सा लोकोमोटिव। तो गाइस देख सकते हैं जो कि भाई साहब WA4 का जो कि गाइस हमारा लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो गाइस जो कि आज हमारे को खींच के लेके जाएगा, जो कि हमारी जर्नी तय कराएगा, WAP का 4 लोकोमोटिव काफ़ी शानदार देख सकते हैं गाइस। गाइस मिलते हैं अपने डब्बे के अंदर, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपको अंदर। अगर वॉशरूम टूर की बात करा तो गाइस आपको काफ़ी अच्छा इंटीरियर मिल जाता है वॉशरूम में, इसका वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्टर भाई साहब मिरर काफ़ी साफ भी है, और साफ नहीं कह सकते फिर भी ठीक ठाक, पानी वर्किंग में है, डस्टबिन पुश है गाइस, पुश भी चल रहा है, तो गाइस ठीक है। जो कि है अपनी चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि गाइस अपने टाइम से जो कि 2 मिनट लेट पर डिपार्चर अपनी सर से डिपार्चर ले चुकी है। तो मिलते हैं इसके गाइस नेक्स्ट और जो कि ब्याज है, तो गाइस मिलते हैं आपको, देखते हैं शानदार डिपार्चर। गाइस देख सकते हैं जो कि हमारे साथ में खड़ी अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस। अमृतसर एक्सप्रेस गाइस देख सकते हैं जिसमें जो कि लोकोमोटिव लगा, डीजल लोकोमोटिव लुधियाना।
की बात करूँ तो काफ़ी ख़राब मौसम हो चुका है, बादल ही बादल। हवाई ट्रेन कितनी शानदार मुड़ रही है, बस काफ़ी ख़राब मौसम हो चुका है और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है घनाघोर बादलों के साथ। हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस बढ़ती हुई आगे, जो कि ऐसे ऐसे जर्नी करने में काफ़ी अच्छा फील होता है। जर्नी मुझे शानदार लग रही है क्योंकि वैसे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ट्रेन का व्यू देखिए काफ़ी ज़्यादा मोड़ थी। पंजाब की हरियाली काले बादलों के साथ, जर्नी मुझे शानदार लग रही है क्योंकि वैसे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ट्रेन का व्यू देखिए काफ़ी ज़्यादा मोड़ थी। पंजाब की हरियाली काले बादलों के साथ।